हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके साथ आपका रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, वो है भाभी का साड़ी कलेक्शन। अभी ये जो है सारी साड़ियां हम लोगों ने निकाल के रखी है जो आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि आप भाभी का साड़ी कलेक्शन मांग रहे थे, साड़ी कलेक्शन तो बहुत सारा है गाइस। जैसे कि भाभी की शादी की साड़ियां भी बहुत सारी है, बट वो आप परचेस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो भी ऑनलाइन साड़ियां भाभी ने ली हुई है ना, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये साड़ी आप सेम परचेस कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ और भाभी जो भी साड़ी पहनती है आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और आप इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हो भाभी का साड़ी कलेक्शन के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार आई हूँ। अभी जैसे कि जब भी आती हूँ ना, उस टाइम क्या होता है कि मैं बहुत जल्दबाजी में होती, तो भाभी का साड़ी कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। अभी आई हूँ, एक दिन रुकना है मुझे और आज फ्री हूँ, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर दूँ आपके साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ ये वाली साड़ी से, क्योंकि ये वाली साड़ी का एक थोड़ा सा वो है, किस्सा है। ऐसी साड़ी मेरे पास एक बेज कलर में है, क्रीम कलर में, थोड़े से गोल्डन कलर में। तो वैसे ये दीपाली को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और ये अंडर 1000 रुपीज है, मतलब 999 समथिंग की है, तो ज्यादा महंगी नहीं थी। और दीपाली को वो साड़ी पसंद आई थी, बट वो साड़ी हम लोगों ने सर्च की तो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो इसीलिए फिर ये वाला कलर हमें पसंद आया उसमें से ही है। तो ये कलर भाभी ने परचेस कर लिया था, और ये इस पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब बाद में जब दीपाली ने ये परचेस की तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये परचेस करूं, बट सेम फिर उसके बाद ये वाली मुझे मिली नहीं। तो ऐसे करके हम लोगों ने, मेरे पास वो वाली साड़ी है और दीपाली के पास ये साड़ी है। तो ये वाली साड़ी पर्पल कलर में है, शादी वगैरह में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पूरी भरी हुई है, मतलब जैसे पूरा जो जरी का वर्क है पूरा साड़ी में है, तो और पल्लू में भी इस तरह से है टसल वगैरह, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। अगर दीपाली का कोई फोटो या रील मिल जाए इस पे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी साइड में ये साड़ी। और इस पे ब्लाउज पीस भी इसी होता है, सेकंड साड़ी है, हाँ ये इस पे ब्लाउज भी इसी होता है। तो दीपाली ने कुछ इस तरह से स्टिच करवाया है ये ब्लाउज, ये देख सकते हो आप। और उसके बाद ये साड़ी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें है रील है ना, हाँ रील मिल जाएंगी आपको इस पे। आंधनी प्रिंट में साड़ी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है इसका, और ब्लाउज भी इस तरह से स्टिच करवाया है दीपाली ने। सिंपल है, बट मतलब सिंपल स्टिच करवाया, आप चाहो तो थोड़ा डिजाइनर स्टिच करवा सकते हो, बट सिंपल ही उसे पसंद आता है, तो इसी वजह से। और बॉर्डर जैसा ही ब्लाउज पीस भी दिया है इसमें, बॉर्डर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त वाली दी है, और काफी ज्यादा अच्छी बड़ी है साड़ी, और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब जैसे आप पहनते हो ना, तो ऐसे लगता भी नहीं है कि पहनी हुई है साड़ी, और बहुत कंफर्टेबल लगती है। उसके बाद ये वाली साड़ी जो हमने ट्विनिंग के लिए ली थी, तो ये मिमोसा ब्रांड की साड़ी है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है मिमोसा ब्रांड। और ये साड़ी सेम मेरे पास भी, हम लोगों ने एक बार ट्विनिंग भी की थी, तो इस तरह से है ये साड़ी। इसमें भी टसल वगैरह है, बहुत ज्यादा सुंदर है। मिमोसा ब्रांड की साड़ियां बहुत ज्यादा अच्छी होती है वैसे भी, मतलब जब आप पहनते हो ना, तो आपके बॉडी का शेप ले लेती है वो साड़ी। और इसकी जो बॉर्डर है ना, वो भी बहुत प्यारी है, आप देख सकते हो। इसपे भी कोई रील वगैरह फोटो वगैरह मिली जाएगा, वो मैं डाल दूंगी साइड में। इस तरह से इसका ब्लाउज है जो दीपाली ने स्टिच करवाया है, सिंपल ही ब्लाउज स्टिच करवाती है दीपाली, बट साड़ी पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये भी है एक जो इस तरह से है, मतलब ये भी पहनने के बाद बहुत ज्यादा जबरदस्त लगती है। अंडर 500 होगी साड़ी है ना, तो ज्यादा महंगी साड़ियां नहीं है, जो भी आपको दिखा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, अंडर 1000 रुपीज ही होगी, बट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब आप पहनते हो ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, और इसपे भी ब्लाउज बहुत सुंदर रिसीव हुआ है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये वाली साड़ी भी है, ये वाली साड़ी भी बहुत सुंदर है। इस पे गोल्डन वगैरह ब्लाउज भी आप पहन सकते हो, या आप इसका भी ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, ये भी बहुत सुंदर है, शिफॉन की साड़ी है। उसके बाद ये वाली साड़ी है जो पर्पल कलर में है, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, ये भी दीपाली ने पहनी हुई है। इसका भी फोटो वगैरह मिल जाए ना, तो ये भी फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये वाली साड़ी भी। उसके बाद ये वाली, इसका तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई रील होगी ही, बनाई है ये, इसकी भी रील बनाई हुई है। तो ये भी बहुत सुंदर है साड़ी, मेहंदी कलर में है, बहुत प्यारी है, और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब रेगुलर वेयर में आप कर सकते हो इसको। तो और ये है थोड़ा मल्टी कलर में है, ये भी बहुत सुंदर लगती है साड़ी। ये तो बहुत सस्ती होगी साड़ी, इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है, अंडर 300 वगैरह होगा, तो ये भी बहुत सस्ती है साड़ी। इसके बाद ये वाली साड़ी है जो मैंने दीपाली को गिफ्ट की थी, ये वाली साड़ी
ये वाली भी मिल जाएगी है ना। हाँ, अमेज़न से ही ली थी आई थिंक ये साड़ी मैंने दिवाली को गिफ्ट की थी, तो इसका फर्स्ट टाइम भी चलती थी घर पे। हाँ मैं, हाँ दीपाली मेरे घर पे जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैंने ये साड़ी गिफ्ट की थी दीपाली को, और वेयर करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उस पे। और उसके बाद ये वाली एक पर्पल कलर की है, ये दिवाली पे पहनी थी है ना दीपाली। हाँ फर्स्ट दिवाली पे। हाँ ये वाली साड़ी है पल्लू, ये भी बहुत सुंदर है। ऐसी ही मेरे पास सेम ब्लू कलर की साड़ी है। हमारे ट्यूनिंग बहुत होती है, हमारी बहुत ट्यूनिंग होती है, मतलब बहुत सारी साड़ियां हमारे पास सेम है, कलर चेंज है बस। और ये एक ब्लू कलर की साड़ी तो सेम है, कलर भी सेम है और सब कुछ सेम है, सिर्फ ये और ये वाली। हाँ ये दो अलग 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 है। तो ये है एक साड़ी जो जिसपे मोर वगैरह है, थोड़ा ऐसे मोर है, नहीं पैरट है इसपे। बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी भी, तो पहनने के बाद इसका भी होगा रील या फोटो तो मैं लगा दूंगी साइड में। हाँ ये ब्लाउज है उस पे, ये इस तरह से ब्लाउज की स्लीव स्टिच करवाई है। चलो जो भी ऑनलाइन साड़ियाँ थी वो मैंने आपको दिखा दी गाइस। आई होप आपको ये भाभी का ऑनलाइन साड़ियों का कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और कोई डिमांड हो आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं वो डिमांड आपकी पूरी करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।